हेलो, चलो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंसुलेशन। देखा इंसुलेशन देखते हैं ना। इंसुलेशन क्या है? छोटा चैप्टर है, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। क्या होता है इंसुलेशन का मीनिंग? पढ़ते हैं जरा। द सन, रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। द सन क्रिएट्स एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हीलियम विच आर प्रेडोमिनेंट गैसेस इन द प्रोपोर्शन 3:1। वो कह रहा है सन को जो एनर्जी मिलती है या फिर सन जो एनर्जी क्रिएट करता है वो दो चीजों से करता है, एक हाइड्रोजन से और एक हीलियम से। ठीक है, जो कि बहुत प्रेडोमिनेंट होती हैं, गैसेस होती हैं। ठीक है, और इसमें से हाइड्रोजन की यूनिट 3 होती है तो हीलियम की यूनिट 1 होती है। अगर हीलियम की यूनिट 2 है तो हाइड्रोजन की यूनिट 6 होगी, यानी 3:1 का रेशो उनके बीच में रहेगा आपस में। ठीक है, द सन कन्वर्ट्स ह्यूज क्वान्टिटीज हाइड्रोजन इंटू हीलियम। ओहो, सन क्या करता है? हाइड्रोजन को हीलियम में चेंज कर देता है। ठीक है, लाइक अ गिगांटिक न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर करता है। सर, इससे क्या होता है? कन्वर्ट करने से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन सन रिलीजेस ग्रेट एनर्जी। और सन इस वजह से सन की सन अपनी सारी एनर्जी छोड़ता है अपने हर डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। किस तरह से? लाइट और हीट के फॉर्म में। ठीक है, सर इंसुलेशन का मीनिंग समझ में आया? इंसुलेशन का मीनिंग भी देखेंगे। सन इज़ अ चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। इट इज अ लार्ज सेलेस्टियल बॉडी हैविंग अ हाई टेम्परेचर। बिल्कुल, द सन रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सन जो है वो अपनी एनर्जी क्या छोड़ता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू छोड़ता है। दे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन चलती है, हर डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग ऑन गिवन एरिया। अमाउंट, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन उसको क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन, रेडिएशन के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और सोलर रेडिएशन सारा सोलर रेडिएशन नहीं, किसी पर्टिकुलर किसी गिवन एरिया पर कितना सोलर, इस चीज़ को हम इंसुलेशन बोलते हैं। द अर्थ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इंटरसेप्ट ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी रेडिएट। वो कह रहा है एक तो सन का, एक तो अर्थ का साइज छोटा, बहुत छोटा है, ये कह रहे हैं पृथ्वी बहुत दूर है, तो ये आपस में इंटरसेप्ट कर देना तो बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए इंटरसेप्ट कर देना। इंटरसेप्ट होना पता है ना क्या होता है? एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन भी ऐसे उसको काटते हुए जाए, तो ये जो इंटर ये यहाँ पे उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट करना। तो ऐसा होता है लेकिन ऐसा बहुत कम क्वान्टिटी के लिए होता है। ठीक है, द रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड द इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इंसुलेशन। ओहो, समझ, यहाँ पे अच्छी सही डेफिनेशन दी है। आने वाली रेडिएंट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेशन बोलते हैं। सबसे इजी लैंग्वेज। सोलर रेडिएशन इज द ओनली लाइट प्लस हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ। रेडिएशन फ्रॉम द सन इज मेड अप ऑफ 3 सेक्शन, द विजिबल, वाइट लाइट। अच्छा, पढ़ते हैं तीनों कैटेगरी। इसे मैं देखने के समय आपको समझाता हूँ कुछ। आपको रेडिएशन का मीनिंग तो क्लियर है ना? क्योंकि शहर में बाहर यूज हो रहा है। आई थिंक हमने एक पेज भी पढ़ दिया, और अगर आपको रेडिएशन का मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रेडिएशन का मीनिंग पता है? ये सन है। सन हर डायरेक्शन में क्या छोड़ रहा है? अपनी लाइट छोड़ रहा है, अपनी एनर्जी हर डायरेक्शन में छोड़ रहा है, तो ये इस छोड़ने को हम बोलते हैं रेडिएशन। जिसकी रोशनी फैल रही है ना हर डायरेक्शन में फैलने को,
इस फैलने को बोलते हैं रेडिएट, इस फैलने को बोलते हैं रेडिएशन। ये ऐसे भी जा रही है, ये ऐसे भी जा रही है, 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 तो इसको बोलते हैं रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। ठीक है, तब कहते रेडिएशन, तब कहते रेडिएशन फ्रॉम द सन इज मेड अप, जैसे रेडिएशन होता है ना, ये तीन सेक्शन से बना होता है। पहला तो विजिबल, जो कि दिखाई दे रहा है, पहला तो विजिबल जो कि वाइट लाइट विच इज सीन, विच इज सीन व्हेन द सन शाइंस इन द लेस विजिबल अल्ट्रा वायलेट इन्फ्रारेड है, सॉरी इन्फ्रारेड रेस। वो क्या क्या कह रहा है कि पहला विजिबल लाइट होता है, पहला विजिबल, विजिबल लाइट मतलब क्या, जब आपको वायलेट दिखाई देती है, वायलेट आपको दिखाई देती है, ये सब दिखाई देती है तो आपको सन शाइन करता है, जब आपको सन शाइन करता है, और लेस विजिबल अल्ट्रा वायलेट, और जब अल्ट्रा वायलेट की रेज और इन्फ्रारेड रेज थोड़ी लेस हो जाए, हल्की हो जाए, इट इज विजिबल वाइट लाइट, एक ये भी विजिबल वाइट लाइट की तरह होता है, विच हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन आवर क्लाइमेट, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट पर। ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं, पहला एक विजिबल वाइट लाइट, वो भी तब जब सन ज्यादा शाइन कर रहा हो, दूसरा लेस विजिबल अल्ट्रा वायलेट, तीसरा इन्फ्रारेड रेज है ना। द इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी ऑन द अर्थ, तो अर्थ में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सारी इंसुलेशन की वजह से हो रही है, हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ इन द एटमोसफेयर, सर्कुलेशन इन द एटमोसफेयर इज ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द एटमोसफेयर बाय इंसुलेशन। वो कह रहा है द सर्कुलेशन इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में जो सर्कुलेशन हो रहा है हीट का, इज ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग, सर वो डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से हो रहा है। डिफरेंशियल मतलब क्या, जो एक्स्ट्रा होती है वही सर्कुलेट होती है, जो एक्स्ट्रा नहीं है वो सर्कुलेट नहीं होती, तो एक्स्ट्रा हीट की वजह से हीट सर्कुलेट होती है जो कि इंसुलेशन की वजह से होती है। 2 सेकेंड रुकना जरा। द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम दिस सन इनेबल्स प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ओहो, जो रेडिएंट एनर्जी होती है ना, ये सन को, ये जो यही प्लांट्स क्या करती हैं, इनेबल करती हैं ताकि अपना खाना खुद बना सकें। दिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर फूड नीडेड ऑल द ऑर्गेनिज्म, यही एक बेसिस बनता है सभी ऑर्गेनिज्म का खाने की, खाने का है ना। द सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर इज ऑल्सो ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द ओशन वाटर बाय इंसुलेशन। वो कह रहे हैं ओशन वाटर भी जो सर्कुलेट होता है ना, उसका भी रीजन है ना, ये डिफरेंशियल हीटिंग होती है, हीटिंग ऑफ द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर कैसे हीट होता है, एटमोसफेयर कैसे हीट होता है, कितने पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 नहीं 2 ही है। चलो, हीटिंग ऑफ द एटमोसफेयर, हीटिंग ऑफ द एटमोसफेयर। इंसुलेशन द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज इंसुलेशन। ठीक है, बिल्कुल। द सन्स एनर्जी रीचेज द अर्थ एज इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव्स, बिल्कुल ठीक है। दीज वेव्स आर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स। वो कह रहे हैं ये जो लाइट हो सकती है शॉर्ट वेव्स या लॉन्ग वेव्स, दोनों से किसी फॉर्म में हो सकती है। एज द इंसुलेशन एंटर्स द एटमोसफेयर, जैसे ये लाइट, जैसे रेडियो वेव्स, जैसे रेडिएशन, लाइट रेडिएशन एटमोसफेयर में एंट्री करती है, इज अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड, इसका कुछ पार्ट क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है,
कुछ स्नो फील्ड के द्वारा, कुछ ओशंस, कुछ वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ है ना। अब पार्ट ऑफ इट इज स्कैटर्ड बाय डस्ट एंड अदर सॉलिड पार्टिकल्स, और कुछ पार्ट ऐसा है जो डस्ट की वजह से, अदर सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर्ड हो जाता है, यानी फैल जाता है। ठीक तो है, आज मिला था दोनों से, पहला पॉइंट क्या कह रहे आज हैं, मिला था दोनों अबाउट 35% ऑफ द टोटल इंसुलेशन दैट रीचेस द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस बाय डस्ट क्लाउड्स एंड मॉलिक्यूल्स। वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, जितनी भी लाइट आती है ऑलमोस्ट 35% इंसुलेशन ऐसा है जो वापस वापस से चला जाता है स्पेस में, चला जाता है, जो वापस से चला जाता है स्पेस में चला जाता है। सर क्यों चला जाती है ये, इतनी लाइट वापस में चली जाती है? अगर 100 यूनिट ऑफ लाइट जा रही है, अगर 100 यूनिट ऑफ लाइट जा रही है एटमोसफेयर के अंदर, तो 100 यूनिट में 35 यूनिट वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट क्लाउड से, डस्ट से, ना कुछ अदर पार्टिकल से टकरा जाती है, टकरा जाते तो वापस चली जाती है। ठीक है सर, ये तो 35 हो गए रिमेनिंग। फिर कह रहा है अबाउट 14% इज एब्जॉर्ब बाई द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, यानी कि सर जो हमारा ओजोन लेयर वगैरह बनती है, तो 14% गैस लाइट तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारा 10% बढ़ता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट्स इंटरसेप्शन बाय द एयर कॉजेस टू बी डिफ्यूजन स्कैटर, सो दैट द स्पेक्ट्रम बिटवीन द अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज गिव राइज टू द ब्यूटीफुल ब्लू स्काई दैट वी सी अबव अस है ना। वो कह रहा है ये तो 14% इंप्रूव एब्जॉर्ब होता है ना इस वजह से, तो इट्स इंटरसेप्शन बाय द एयर, जब इसे एयर के साथ इंटरसेप्ट होता है, इट कॉजेज इट टू बी डिफ्यूज, तो इससे डिफ्यूजन होता है स्कैटर्ड, और इससे ये स्कैटर ऑफ हो जाते हैं और ज़्यादा फैल जाते हैं। और जब ये लाइट और फैलती है, जब ये लाइट और फैलती है, स्पेक्ट्रम बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज गिव राइज टू द ब्यूटीफुल ब्लू स्काई, तो इससे ऐसे एक क्लियर, एक क्लीन ब्लू स्काई फॉर्म होता है जो कि हम आपके ऊपर देखते हैं। सर 35 और 14 49 हो गया, रिमेनिंग 51% नीचे लिखा हुआ है। रिमेनिंग 31% इज द अर्थ विच इज इन टर्न वार्म द लेयर ऑफ एयर अबव इट बाय कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। सर 51% जो लाइट होती है वो डायरेक्ट हमें क्या करती है, हमारे एयर के लेयर्स को क्या करती है, हीट करती है। ठीक है, इन तीन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इनका। ठीक है, तो पहले तो हो गया इंसुलेशन पॉइंट, इंसुलेशन भी हमारे एटमोसफियर को हीट करने में हेल्प करता है काफ़ी, है ना। दूसरा है टेरेस्ट्रियल 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 रेडिएशन, द सन्स हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई द अर्थ, द सन्स हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई द अर्थ, सन की जो हीट एनर्जी है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट्स एटमोसफेयर ड्यूरिंग द डे, और एटमोसफेयर भी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ड्यूरिंग द डे। एट नाइट रात में क्या होता है, दिस हीट विच इज एब्जॉर्ब बाई द अर्थ एंड एटमोसफेयर इज रेडिएटेड आउट, वो होता है इसको वापस बाहर निकाल दिया जाता है ना, बाई द अर्थ एंड एटमोसफेयर। द सन्स एनर्जी यानी सर बाद में सुबह से एब्जॉर्ब करके मौसम को ठंडा कर देते हैं और रात में उसको रिलीज करके मौसम को गर्म कर देते हैं। ठीक है, द सन्स एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द अर्थ सरफेस एंड रेडिएटेड आउट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। वो कह रहे हैं ऐसे लाइट जिसको पहले आप एब्जॉर्ब कर लेते हो फिर बाद में उसको रिलीज कर देते हो, तो ऐसे लाइट को, ऐसे रेडिएशन को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। दस इंसुलेशन रेडिएटेड आउट और बाय द अर्थ इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। वो कह रहे हैं ऐसे लाइट जो आई, ऐसे लाइट जो आई है लेकिन उसको वापस अर्थ बाहर निकाल, तो ऐसे लाइट को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। आर एटमोसफेयर इज नॉट डायरेक्टली हीटेड बाय द सन अबव बट द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन गिवन आउट बाय द अर्थ। वो कह रहे हैं हमारा जो अर्थ है ना, हमारा जो एटमोसफेयर है सॉरी, वो सीधा सन की वजह से गर्म नहीं होता, सीधा सन की वजह से अर्थ नहीं गर्म नहीं होता, बल्कि वो गर्म होता है बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, आप सही से मार्क कर लेना। ठीक है, देयर आर फोर हीटिंग प्रोसेस डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हीटिंग ऑफ हीटिंग द एटमॉस्फेयर, ऐसे चार प्रोसेस डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेयर को हीट करने में। सर कौन कौन सी, पहला रेडिएशन, अब मीनिंग भी समझाएंगे आपको इसका और डिटेल में, कंडक्शन कन्वेक्शन एडवेक्शन। ठीक है, पहला पार्ट है रेडिएशन,
सो इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी एमिट्स, एमिट वाला छोड़ना, एमिट वाला छोड़ना, मैंने देखा था सन रिलीज कर रहा था अपनी लाइट को, तो उसको बोलते हैं एमिट कर रहा छोड़ना। इट इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी एमिट्स रेडिएट एनर्जी। सर एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई बॉडी अपनी एनर्जी छोड़ती है। सो कौन सी एनर्जी छोड़ती है? रेडिएंट एनर्जी। सर रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसान अपनी एनर्जी छोड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, अगर सन हीट छोड़ रहा है तो उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, ड्यूरिंग द डे द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन बाय इंसुलेशन एक्सीड द अमाउंट लॉस्ट बाय रेडिएशन। वो कह रहे हैं दिन में क्या होता है, दिन में जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है ना, हीट की जाती है वो इतनी की जाती है कि रेडिएशन जितना हीट आउट करता है उससे भी ज़्यादा। यानी कि सर हम हीट को रिलीज कम करते हैं, एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। ओके, यानी कि सबसे तो गर्मी होती होगी क्योंकि हीट तो हमारे अंदर हमारे एटमोसफेयर के अंदर चलेगी, स्टोर रहेगी ज़्यादा। सपोज करो हमने इंसुलेट, इंसुलेट मतलब आना तो 5 यूनिट आई है लाइट की, है ना, और लॉस्ट जो हुई है रेडिएशन के थ्रू वो कम हुई है 3, तो 2 यूनिट तो रहेंगे, 2 यूनिट रहेंगे तो 2 यूनिट के अंदर का जो टेम्परेचर वो हमारे एटमोसफेयर में तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो सो द टेम्परेचर राइजेस टिल अ मैक्सिमम इट्स रीच्ड, तो जहाँ तक इनका बीच का डिफरेंस होता है उतना टेम्परेचर बढ़ता जाता है। एट नाइट द रिवर्स टेक्स प्लेस, और रात में इसका उल्टा होता है, एंड द टेम्परेचर फॉल्स, रात में उल्टा होता है। ठीक है, तो पहला इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसी चीज की मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरे पर कन्वेक्शन, कन्वेक्शन द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ लिक्विड और गैस टू अनदर ऑफ बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स देमसेल्व्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। वो कह रहे हैं लिक्विड और गैस का, लिक्विड और गैस के अंदर ही जो तो क्या कहते हैं हीट है, हीट एनर्जी लिक्विड और गैस के अंदर, अगर वो आपस में आप खुद की वजह से, खुद के पार्टिकल्स की वजह से, यानी हीट या गैस के ही बहुत सारी गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स की वजह से अगर वो ट्रांसफर हो जाती है, तो ऐसे चीज ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम कन्वेक्शन, ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, द हीटेड एयर बींग लाइट राइजेस स्प्रेड्स हॉरिजॉन्टली कूल्स एंड सिंक्स। तो कह रहे जो हीटेड एयर होती है ना, हल्की होने की ऐसे हल्की होने की वजह से राइज होती है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ती है, स्प्रेड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली फैल जाती है, कूल्स एंड सिंक्स ठंडी भी हो जाती है, सिंक भी हो जाती है, डूब भी जाती है। ऐसे रीचेस डाउन, जैसे ये डूबती यानी नीचे आती है, अगेन इट स्प्रेड्स, ये सब नीचे आके फिर फैलती है, गैस हीटेड फिर दोबारा से गर्म हो जाती है, एंड एसेंट फिर ऊपर चढ़ जाती है, फिर ऊपर एटमोसफेयर में आ जाती है। कंसिक्वेंटली कन्वेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल सर्कुलेशन द एयर। इसी वजह से ये बार बार ऐसा होता रहता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये कन्वेक्शन रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिविल यानी मेनी सर्कुलेशन द एयर। कन्वेक्शन इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ मोबाइल मीडियम लाइक एयर ऑन वाटर, एयर और वाटर विच हैज बीन हीटेड बाय कॉन्टेक्ट विद द अर्थ सर्फेस, एयर इज देयरफॉर सेट टू राइज इन द कन्वेक्शन करेंट। वो क्या कह रहा है कि कन्वेक्शन को सिंपली बोलना चाहता, सिंपली आप कह सकते हो कि एयर का एक अपवर्ड मूवमेंट है, एक अपवर्ड मूवमेंट है ऑफ मोबाइल मीडियम लाइक एयर और वाटर, एंड हीट एनर्जी का बेसिकली ऊपर उठना। ठीक है, विच हैज बीन हीटेड बाय कॉन्टेक्ट मूवमेंट ऑफ अ मोबाइल मीडियम, यानी कोई मोबाइल मीडियम का ऊपर उठना लाइक एयर या वाटर, या तो एयर का या फिर वाटर का। ठीक है, जो अपने हीट एब्जॉर्ब करते हैं, कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं, इनका ऊपर उठना। तो ये ऊपर क्यों उठते हैं, विच हैज बीन हीटेड बाय कॉन्टेक्ट, जिसको सब हीट किया गया है, यानी एयर वाटर जिसको हीट किया गया है बाय द कॉन्टैक्ट विद द अर्थ सर्फेस, यानी अर्थ सर्फेस को टच करके इनको हीट किया गया है। तो और इस वजह से अगर कोई चीज ऊपर आ रही है तो इसको हम बोल देंगे कन्वेक्शन। ठीक है, तो इस वजह से एयर इज देयरफॉर सेट टू राइज इन अ कन्वेक्शन करंट, इसलिए कहा जाता है कि एयर बढ़ रहा है तो कन्वेक्शन में भी बढ़ा वो इंक्रीमेंट होगा। दो सेकंड रुकना जरा।
रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी? हो रही है। कंडक्शन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर डायरेक्टली थ्रू मैटर। ओहो, यानी किसी ना किसी मैटर के थ्रू फ्रॉम पॉइंट ऑफ हाई टेम्परेचर, यानी सर हाई टेम्परेचर वाले मैटर से सब डायरेक्टली किसी दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो जाए, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। हीट पासिस फ्रॉम वार्मर टू कोल्ड सब्सटेंस। ओहो, यानी गर्म से ठंडी जगह पर ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन ट्रांसफर हीट से, कंडक्शन ट्रांसफर्स हीट बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। यानी वो कह रहे हैं कंडक्शन जो है ना, कंडक्शन जो प्रोसेस, उस प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है ना, वो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? जो आसपास में होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं बेसिकली। ठीक है। व्हेन द अर्थ इज व्हेन द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी हीट रेडिएशन एंड वार्म्स द एयर अबाउट, और जब अपने एयर को गर्म कर देती है, द कंडक्शन ट्रांसफर्स कंडक्शन ट्रांसफर्स पार्ट ऑफ द हीट टू लोअर लेयर ऑफ एयर। तो सर क्या करता है? कंडक्शन अब जो हीट वाला पार्ट है उसको ट्रांसफर करता है लोअर लेयर ऑफ एयर में। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सरफेस कूलर, जब सरफेस छोटा ठंडा होता है तो ओवल है ना, तो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज रिवर्स। तो सब प्रोसेस की बिल्कुल उल्टी हो जाएगी और एयर ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अब वो कोई हीट इसमें ट्रांसफर करेगा नहीं, जब ट्रांसफर ही नहीं करेगा तो ठंडा ही रहेगा। कंडक्शन इज कन्फाइंड ऑनली टू द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर। कन्फाइंड लिमिट कर डालना है ना, तो कह रहे हैं कंडक्शन का अगर आपको लिमिट डालिए तो आप कैसे उसको बस लोअर लेयर तक ही हम लिमिट कर सकते हैं, जहाँ पर हवा आती है, जहाँ पर एयर आती है इन कॉन्टेक्ट विद द एयर सरफेस। लास्ट है एडवेक्शन। लास्ट है एडवेक्शन। विंड्स कैरी द टेम्परेचर ऑफ वन प्लेस टू अनदर। विंड्स कैरी द टेम्परेचर ऑफ वन प्लेस टू अनदर। विंड क्या करती है? एक जगह से लेक जगह से दूसरी जगह पर टेम्परेचर ले जाती है। द टेम्परेचर विल राइज इफ अ प्लेस लाइज इन द पार्ट्स ऑफ विंड्स कमिंग फ्रॉम वार्मर रीजन। सब कह रहे हैं अगर हमारी लाइट ऐसे हमारी एनर्जी हीट ऐसी जगह पर चली गई जहाँ पर ऑलरेडी गर्मी है, तो सब वहाँ का टेम्परेचर तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। द टेम्परेचर विल फॉल इफ द प्लेस लाइज इन द पाथ ऑफ विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन। सर लेकिन हमारी हवा ऐसी, हमारी हीट ऐसी जगह पर चली गई जहाँ पर ऑलरेडी ठंडा माहौल है, तो सर वहाँ पर फिर हमारी हीट थोड़ी कम हो जाएगी यानी ठंडी हो जाएगी। तो दिस प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट बाय विंड्स इज नोन एज एडवेक्शन। तो इस तरह की हीट को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? एडवेक्शन बोलते हैं। एडवेक्शन बोलते हैं। डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सर डिफरेंशियल रेट ऑफ लैंड एंड वाटर में क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग होता है इनका? लैंड एंड वाटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, लैंड की और वाटर की प्रॉपर्टीज होती है, क्वालिटीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो अलग अलग होती हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस इन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन ऑफ हीट। यानी और ये जो है रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन की स्पीड की वजह से, स्पीड की और रेडिएशन की, रेडिएशन की, इन दोनों के रिस्पॉन्सिबल ये दो चीज़ें हैं। लैंड सरफेस रैपिडली एंड इंटेंसली हीटेड बाय सन रेज। अब खैर लैंड का जो सरफेस होता है वो तो बहुत जल्दी सन रेज से क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। वेयर एज वाटर सरफेस टेक्स लॉन्गर टाइम। तो वाटर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वाटर ऑलरेडी ठंडा होता है ना, तो ठंडी से को गर्म करने में टाइम लगेगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको गर्म करने में टाइम लगेगा नहीं। ठीक है। एंड गेट मॉडरेटली हीटेड अप, थोड़ा मॉडरेटली हीटेड हो जाता है। ऑन द अदर हैंड लैंड सरफेस रेडिएट द हीट मोर। लैंड सरफेस अब हीट ज़्यादा छोड़ती है, वाइल वाटर सरफेस टेक्स लॉन्गर टू रेडिएट द हीट। ये जो वाटर होता है एक तो कम करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। कंसिक्वेंटली टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट आर ग्रेट ओवर लैंड मास, वेल देयर ओनली मॉडरेट्स ओवर सीजन ओशन। को कह रहे हैं इसीलिए टेम्परेचर जो होता है लैंड मास के ऊपर ज़्यादा होता है, सी मास सी बॉडी के ऊपर थोड़ा कम होता है। ये समझाना चाह रहे हैं। आगे हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे जो टॉपिक है ना, ये पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। टॉपिक को पढ़ाने के उतना, टॉपिक को पढ़ाने के उतना फैक्टर्स पढ़ाने के बाद इस चैप्टर सीधा ख़त्म ही होगा। ठीक है, फिर इतना ही करते हैं।